एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में जब हमने अपने ब्रश टूल और स्पॉट हीलिंग टूल के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन की थी कि किस तरीके से वो टूल्स हैं दोनों वर्क करते हैं और किस तरीके से आप उन टूल्स को वर्क करके अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, अपने जो आपका पोस्ट है, जो आपकी चीज़ें हैं, जो आप फोटोशॉप पे जिस पे वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट लेके आ सकते हैं और उसको मज़ीद ब्यूटिफाई कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपको जैसे पता है कि हम लास्ट क्लास में पोस्ट मेकिंग कर रहे थे, सो मैं आपको पोस्ट मेकिंग को लेके ही सारे टूल्स की वर्किंग दिखाना चाह रही हूँ ताकि हमारा पोस्ट भी आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता रहे और जितने भी टूल्स हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ते रहें और उसको अटेम्प्ट करते रहें। देखिए, फ़ोटोशॉप में या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो भी चाहे वो आपका आप उसको अगर मैन्युअली परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप उसको कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड परफॉर्म कर रहे हो, सो कोई भी चीज़ जो है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी। लास्ट क्लास में हमने टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, अगर आपको वो टूल्स के बारे में और डिटेल में देखना है तो आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं प्रीवियस, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है जी, आज हम चलते हैं हमारे कुछ न्यू टूल्स को हमने इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें सबसे पहला टूल आता है हमारा इरेजर टूल। जैसा कि आपको यहाँ एक छोटा सा डिस्प्ले भी नज़र आ रहा है, इरेजर टूल का मतलब ऑलरेडी सबको पता भी है क्योंकि हम नॉर्मली भी इरेजर्स यूज़ करते हैं। सो आई डोंट नो कि इरेजर टूल को मुझे इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट इरेजर टूल के अंदर भी मज़ीद ऐसा कोई एक टूल है जो कि पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है जब मैं फ़ोटोशॉप यूज़ कर रही होती हूँ। सो उसमें और आपके अपने इरेजर टूल में क्या फ़र्क है, वो डिफरेंस दिखाने के लिए मैं सबसे पहले एक अपनी कोई भी एक इमेज ओपन कर लेती हूँ। कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं, हम अपना पोस्ट मेकिंग कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उसी को लेके अपना जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या चीज़ नहीं। मैंने यहाँ पे एक परफ्यूम ओपन कर लिया है, मैं इसका जो है वो बैकग्राउंड अनलॉक कर देती हूँ। आई होप कि आप लोगों को ये परफ्यूम के बारे में पता होगा और जिसको नहीं भी पता है तो इट्स नॉट अ बिग डील। बेसिकली मैंने वो रेड और रेड को कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने के लिए और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए मैंने ये वाला परफ्यूम रेड डोर एलिजाबेथ आर्डन का सेलेक्ट किया है, विच इज़ मोस्ट पर्सनली माई फेवरेट। सो इसी को हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्चर ओपन करने के बाद सिंपली आपको अपने पिक्चर को मूव टूल के साथ ड्रैग करके अपनी मेन उस पर लेके जाना है। जैसे आप अपने मेन डॉक्यूमेंट पे ले जाएंगे, सो मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताई हुई है कि पिक्चर का साइज छोटा हो जाता है, सिंपली बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी यू कैन ट्रांसफॉर्म योर पिक्चर अकॉर्डिंग टू योर साइज, अकॉर्डिंग टू योर विड्थ, आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिए, मुझे इसको इतना ही ज़्यादा रहने देना है। अच्छा, अब इसमें एक अजीब सी बात या एक अननेसेसरी बात क्या है, इस पिक्चर का बैकग्राउंड, ये जो आपके पास परफ्यूम बॉटल है इसका जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा ओवरपावरिंग हो रहा है कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा वैनिश हो रहा है, तो मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो मैं मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ करूँ एंड सिंपली मैं अपने जो मेरा बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर दूँ, लेकिन अगर मैं उसको डिलीट करती हूँ तो उसमें कुछ ऐसे अननेसेसरी पार्ट डिलीट हो जाएगा जो कि मुझे चाहिए, मेरे लिए नेसेसरी है बट फोटोशॉप के लिए वो अननेसेसरी है। सो मुझे ये भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा, सो मैंने दोबारा कंट्रोल जेड दबाया और वापस से वही चीज़ वापस आ गई। ठीक है, मैं कंट्रोल डी सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे ये मैजिक वॉन्ड टूल से भी नहीं करना। मैं अगर इसको क्विक सिलेक्शन टूल से करना चाहूँ, जो कि मैजिक वॉन्ड टूल के अंदर ही हमारे पास एक ऑप्शन होता है, अगर मैं क्विक सिलेक्शन टूल से करना चाहूँ सो मैं क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकती हूँ। मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि हमें एक सिनेरियो मिल सके। ठीक है जी, ये देखें, लेकिन मुझे क्विक सिलेक्शन टूल भी वर्क नहीं करवाना, मुझे कुछ चाहिए विच इज़ समथिंग न्यू एंड विच इज़ समथिंग वेरी फैसिनेटिंग, और थोड़ा सा ऐसा लगे कि आपका जो बैकग्राउंड है और आपका जो फोरग्राउंड पे इमेज है वो एक दूसरे के साथ मर्ज होती हुई नज़र आए, ऐसा ना लगे कि दोनों पिक्चर्स जो है वो अलग अलग हैं। अभी देखें, अभी आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो आपका बैकग्राउंड है वो और आपका जो फोरग्राउंड है वो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ठीक है जी,
सो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कुछ इस पे सबसे पहले, जैसे कि हमने बैकग्राउंड पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, हमने यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे काम किया है, ह्यू एंड सैचुरेशन पे काम किया है, और कुछ हमने ग्रेडियंट भी दिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इस लेयर पे भी हम कुछ मज़ीद एडजस्टमेंट लेयर्स ऐड कर लेंगे। इसी तरीके से एडजस्टमेंट लेयर कैसे ऐड करते हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पे बस जल्दी जल्दी जो है वो ह्यू और सैचुरेशन को लेके काम कर लेती हूँ, ताकि मुझे जो है वो एक हमें मज़ीद इतना ज़्यादा उसको ना जाना पड़े, ताकि हमारी जो आगे की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, मैंने यहाँ पे बस ह्यू और सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाया है, एंड कंट्रोल एल प्रेस करके मैंने यहाँ पे थोड़े से लेवल्स को सेट कर लिया है, ताकि मेरा जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज है वो आपस में लिंक हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद अब मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव भी करती हूँ तो मेरा जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड है वो आपस में मर्ज हो जाएगा, जिसके लिए मुझे चाहिए इरेज़र टूल। इरेज़र टूल मैंने अभी आपको बताया, सिंपली आपको पता है इरेज़र टूल का मतलब होता है विच यू कैन जस्ट इरेज एनी थिंग विच यू डोंट वॉन्ट फ्रॉम योर पिक्चर और फ्रॉम योर पोस्ट बाई सिंपली प्रेस ई ऑन योर कीबोर्ड। आपके पास एक सर्कल अपेयर हो जाएगा, और आप इसको ब्रैकेट ओपन करके इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके आप इसका साइज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे इरेज़र टूल, जो एक प्रॉपर इरेज़र टूल है, अगर मैं वो यूज़ करती हूँ, अपनी लेयर को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन सिंपली अगर मैं इरेज़ करती हूँ तो आप देखें यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक शार्प एज क्रिएट हो रहा है। आप ये देखें, मैं इसको जूम इन करके भी दिखाती हूँ, ये देखें जहाँ जहाँ मैं इरेज़ करूँगी वहाँ वहाँ एक शार्प एज क्रिएट हो रहा है, जो कि मुझे इटसेल्फ इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड और मेरा फोरग्राउंड आपस में मिक्स हो जाए। ठीक है, अगर मुझे इसका बैकग्राउंड इरेज ही करना होता या वैनिश करना होता तो मैं सिंपली अपना जो मेरा मैजिक वॉन्ड टूल है मैं वो यूज़ कर सकती थी उसकी टॉलरेंस कम करके, या सिंपली मैं अपना क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकती थी, लेकिन मुझे जो है वो ये चीज़ नहीं करनी। सो सिंपली आई विल प्रेस कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं हम, और अपना जो इमेज है उसको वापस ले आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिस ऑप्शन की मैंने आपसे बात की थी कि इरेज़र टूल को समझना इतना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक और टूल है जिसको हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो और जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का है टूल, वो है आप जैसे ही अपने इरेज़र टूल के टूल पे क्लिक करके रखेंगे तो वहाँ पे आपको मज़ीद तीन और ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें से मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है वो है बैकग्राउंड इरेज़र टूल। जैसे ही आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल पे क्लिक करेंगे आप सिंपली अपने ब्रैकेट ओपन से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब आपने देखना है मैजिक। बैकग्राउंड इरेज़र टूल का मतलब है कि आपके जो बैकग्राउंड है ना पिक्चर का, उसको वो इरेज़ करेगा बट इन अ फॉर्म ऑफ ओपेसिटी, थोड़ा सा फेडेड टेक्सचर होगा। ये देखें जिस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैं बस सिंपली क्लिक कर रही हूँ एंड देन इट्स फेड अवे। मैं जूम इन करके भी दिखा देती हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस, यू कैन सिंपली जूम इन, एंड अगर आपको आपका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ हुआ लग रहा है सो आप सिंपली अपना साइज़ डिक्रीज कर दें, एंड देन आप अपने इरेज़र टूल के साथ, बैकग्राउंड इरेज़र टूल के साथ अपनी जो आपका बैकग्राउंड है जो आपको नहीं चाहिए, आप उसको जहाँ जहाँ से भी आपको नहीं चाहिए, जो भी आपका अननेसेसरी पार्ट है आप उसको इरेज कर लें। ठीक है जी, इसमें और आपके इरेज़र टूल में यही डिफरेंस है कि आपको जब आप बैकग्राउंड इरेज़र टूल यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आती है कि आपका जो फोरग्राउंड है और बैकग्राउंड है वो आपस में मिक्स हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको जूम आउट करके भी दिखाऊंगी तो आपको नज़र आ रहा है कि दैट येस, मेरा जो फोरग्राउंड और मेरा जो बैकग्राउंड है वो आपस में मिक्स हो गया है। अब मुझे अगर इसको थोड़ी सी और क्लैरिटी देने के लिए, कि चेक करने के लिए कि मेरा जो प्रॉपर बैकग्राउंड है वो रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, सो मैं अपने बैकग्राउंड की रिमूव जो लेयर है उसको बंद कर दूंगी। सो मुझे यहाँ पे देखें थोड़ा सा अननेसेसरी पार्ट नज़र आ रहा है, जो कि हमारा बैकग्राउंड इरेज़र टूल से सही से इरेज़ नहीं हुआ। सो उसको इरेज़ करने के लिए हम सिंपली अपना जो मेन इरेज़र टूल है उसको ले लेंगे, एंड देन हम जो हमारे साइड्स हैं, बस जो कॉर्नर्स हैं उनको हम एक प्रॉपर क्लियरेंस कर देंगे, ताकि जो भी एक डर्टीनेस है, क्योंकि फेड और ओपेसिटी के चक्कर में जो है वो थोड़ी सी डर्टीनेस भी आ जाती है,
सो उसको करने के बाद हम सिंपली, ठीक है जी, तो सिंपली अगर आपको और भी इसमें एडिटिंग करनी है सो आप अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल सेलेक्ट कर लें एंड उसका साइज डिक्रीज कर लें बाय प्रेसिंग की जो आपका ब्रैकेट क्लोज है अपने कीबोर्ड पे, एंड देन आप उसको मज़ीद उसके साथ उसकी ओपेसिटी को देखते हुए, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए आप और ज़्यादा उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका मज़ीद साइज़ छोटा कर लें एंड देन थोड़ा सा इनसाइड भी आ जाए ताकि जो बीच वाली जो हमने ऑलरेडी ग्रेडियंट इफ़ेक्ट दिया हुआ है वो ज़्यादा विजिबल हो बनस्बत के हमने जो क्लियरेंस की है वो, ठीक है। अब आप इसको जूम आउट करके भी देख सकते हैं कि अगर आपको आपका जो मेन एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, सिंपली बाय प्रेसिंग कंट्रोल टी आप अपने जो आपका मेन एलिमेंट है उसका साइज़ बड़ा कर दें अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए, मुझे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है सो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करूँगी, ठीक है जी। मुझे ये इतना ज़्यादा जो है वो नॉर्मल पेस पे इक्वल लग रहा है। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मैं मज़ीद इसकी जो ब्राइटनेस है या इसके जो लेवल्स हैं उसको मज़ीद इंक्रीज़ करूँ ताकि जो मेरी परफ्यूम की बॉटल है उसका जो कलर है रेड, बेसिकली वो एक ऐसा रेड कलर है जो कि थोड़ा सा डेंजर टाइप या जो मेरा बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा थोड़ा सा डीप रेड पे भी जाता है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एल प्रेस करके सिंपली अपने बॉटल को थोड़ा सा लाइटनेस की तरफ लेके जाऊंगी बनिस्बत के मैं थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ लेके जाऊँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं लाइटनेस की तरफ लेके जाऊँगी एंड देन सिंपली एल प्रेस ओके। सो इस तरीके से आप अपना इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज़ करके आप जो है वो अपनी इमेज के अंदर मज़ीद जो है वो चीज़ों को काम में ला सकते हैं। इरेजर टूल को यूज़ करना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है, बट जो मेन आपका टूल है वो है बैकग्राउंड इरेजर टूल जो आपके इरेजर टूल के अंदर ही मौजूद होता है। सो इरेजर टूल एंड बैकग्राउंड इरेजर टूल का जो डिफरेंस है वो क्लियर यही है कि आप किस तरीके से अपने जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की लेयर्स हैं उनको किस तरीके से आप मर्ज करना चाहते हैं। अगर आप अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को आपस में मर्ज करना चाहते हैं सो आप सिंपली जो है वो बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज़ करेंगे। अगर आप एक शार्प एज चाहते हैं, शार्प क्लियरेंस चाहते हैं तो आप अपना इरेजर टूल यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि ये टूल आपको क्लियर समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये दोनों टूल्स वर्क करते हैं और हमें जो है वो किस तरीके से इन टूल्स को, इन टू दोनों टूल्स की ब्यूटी का क्या है और किस तरीके से जो है वो ये टूल्स हम अपने पोस्ट के साथ काम में ला सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। ओके जी, सो अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको मज़ीद इसके अंदर बताना चाहती हूँ कि सबसे पहली चीज़ के आप अगर चाहते हैं, देखें आपको हमेशा पता है कि एक जो ग्लास बॉटल होती है उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आप अपने फ़ोटोशॉप पे भी, फ़ोटोशॉप के जो भी आपकी वर्किंग है उस पे भी आप जो है वो एक ग्लास इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? सिंपली आपका जो मेन एलिमेंट है आपने उस पर क्लिक करना है। देखें आपका मेरा मेन एलिमेंट है लेयर नंबर 2 पे, जिसका मैं नेम चेंज कर देती हूँ, जिसको मैं परफ्यूम बॉटल के नाम से एंटर कर देती हूँ, ठीक है। परफ्यूम बॉटल जो है वो मेरा एक मेन एलिमेंट है जो कि मेरा फोरग्राउंड पे है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसकी कॉपी ले लूँगी। कॉपी लेने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल जे। जैसे ही मैंने कंट्रोल जे प्रेस किया मेरे पास यहाँ पे मेरी परफ्यूम की बॉटल की कॉपी आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं करूँगी प्रेस कंट्रोल टी, क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि मुझे मेरा जो मेन बॉटल है उसका रिफ्लेक्शन चाहिए। और आपको ये चीज़ पता होगी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है जो भी आपका मेन एलिमेंट है उसका ऑपोजिट। जब आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्शन होता है। जो आपका राइट साइड होता है वो मिरर पे लेफ्ट साइड होता है और जो आपका लेफ्ट साइड होता है वो मिरर पे राइट साइड होता है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे भी पोस्ट मेकिंग करेंगे तो हमें रिफ्लेक्शन क्रिएट करना है। ट्रांसफॉर्मेशन के आइकन्स जैसे हमारे पास अपेयर हो जाएंगे सो आपको ये जो सेंटर वाला आइकन नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे अपना कर्सर रखना है एंड अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करना है। कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपने क्लिक करना है एंड देन आपने इसको नीचे ले जाके जितना भी आपको इसका ओरिजिनल चाहिए आप वहाँ पे इसको ड्रॉप कर दें, जैसे मुझे इतना चाहिए, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, आप चाहो तो सिंपली अपना जो आपकी बॉटल है उसको इस तरीके से भी
कर सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे देखें इस बॉटल की एक डायमेंशन है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं और हम इसका नीचे वाला पार्ट देखें, तो देखें इस बॉटल की एक डायमेंशन है, कुछ कॉर्नर्स हैं जो कि आपस में लिंक कर रहे हैं। अगर मैं इसको सिंपली ऊपर नीचे अगर मैं लेके जाती हूँ तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सर्कुलर होते हैं। कुछ ऐसी परफ्यूम की बॉटल आती है जो कि नीचे से थोड़ी सी सर्कुलर शेप में होती है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक न्यू आपका ऑप्शन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपके पास एक रैप आपको लिखा हुआ आ रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास कुछ बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। मैं आपको और नीचे करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से कुछ आपके पास बॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे और हर बॉक्स के कॉर्नर पर आपके पास एक एंकर पॉइंट होगा। इसका मतलब ये है कि आप अपने शेप को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। देखें जैसे मैं यहाँ पे अपना जो एक कॉर्नर है उसको एडजस्ट कर रही हूँ, और जो मेरा साइड के कॉर्नर्स हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक डायमेंशन है, सो मैं उसको प्रॉपर एक शेप में दे रही हूँ। ठीक है, मुझे इस तरीके से सही लग रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखें सॉरी, तो यहाँ पे इरेजर टूल से ज़्यादा इरेज नहीं हुआ है, जो कि रिफ्लेक्शन में मुझे थोड़ा सा एनॉय कर रहा है। इसको इरेज करने से पहले या इसके अंदर कुछ भी एडवांसमेंट करने से पहले मैं इसको एक रिफ्लेक्शन का एक आप कह लें कि इफ़ेक्ट देना चाहती हूँ। रिफ्लेक्शन के दो इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप चाहो तो एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन इफ़ेक्ट दे दो। अगर आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे जो आपका लेयर पैनल है उस पर आपको एक ओपेसिटी नज़र आ रहा होगा। अगर आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी डाउन करते हो तो आप इस तरीके से भी अपने बॉटल का रिफ्लेक्शन दे सकते हो। जितनी ज़्यादा ओपेसिटी डाउन करना चाहते हो आप ओपेसिटी डाउन कर दो, एंड देन आप जैसे ही उसको जूम आउट करोगे सो इस तरीके से आपको एक रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। लेकिन अगर आपको इस तरीके से भी रिफ्लेक्शन नहीं देना, जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहले हम इसकी ओपेसिटी 100% कर देते हैं, देन हम थोड़ा सा जूम इन करेंगे, एंड अब ये चीज़ आप थोड़ी सी गौर से देखिएगा। आपको करनी है लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग क्या होती है, ये जो मैंने आपको पहले भी नीचे टूल्स बताए थे, इसमें आपको एक टूल नज़र आ रहा है जो कि है, देखिए उसमें फ़ौरन नज़र आ गया एड लेयर मास्क। लेयर मास्क का मतलब होता है कि आपने कोई भी लेयर के ऊपर एक मास्क क्रिएट कर दिया जो कि आपको चाहिए। जैसे हम चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हैं, इसी तरीके से हम एक लेयर के ऊपर एक थिन लेयर लगा देंगे वैसी जैसे हमें चाहिए। सो मुझे अपनी ये जो मेरा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है इसके ऊपर एक मास्क ऐड करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक लेयर ऐड कर दूंगी। तो आपने देखा मेरी जो एक लेयर थंबनेल है उसके साथ ही एक लेयर मास्क थंबनेल क्रिएट हो गया। अब मुझे इसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड करना है, तो रिफ्लेक्शन का मतलब है बेसिकली डार्क टू लाइट। सो मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि डार्क टू लाइट जाने के लिए उसको कहते हैं ग्रेडियंट। सो हमें यहाँ पे ग्रेडियंट इफ़ेक्ट ही देना है। आपको यहाँ पे इरेजर के नीचे एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जो कि यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं ग्रेडियंट हूँ, आप मुझे यूज़ करके कोई भी ग्रेडियंट इफ़ेक्ट दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे अपना क्लिक कर दूंगी जाके कर्सर से, या अगर आपका कोई और टूल सेलेक्ट है, अगर आपको ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करना है तो हम सिंपली जी प्रेस करेंगे तो आपका ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस जगह आपको ग्रेडियंट देना है आपको वो यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था ग्रेडियंट हमारे पास पाँच तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लीनियर, एक होता है आपका रेडियल, एक होता है आपका एंगल, एक होता है आपका रिफ्लेक्टेड, एक होता है आपका डायमंड। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट यूज़ करके देखती हूँ कि क्या इफ़ेक्ट आता है। सो मैं यहाँ पे जो मेरा लेयर कॉपी है अभी मैं उसी पर ही वर्किंग कर रही हूँ। मैं सिंपली क्लिक करूँगी एंड देन ड्रैग जितना ज़्यादा मुझे चाहिए। आपने देखा, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऊपर से, मुझे ऊपर से नीचे नहीं चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है मुझे एक लिंक्ड एलिमेंट भी चाहिए, तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगी। ये देखें, मुझे इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्शन चाहिए। तो आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में कोई बुराई नहीं है। चाहे तो आप ओपेसिटी यूज़ कर लें, चाहे तो आप ग्रेडियंट यूज़ कर लें। आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी कि रिफ्लेक्शन कितने तरीके के होते हैं। ग्रेडियंट से भी आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, ओपेसिटी यूज़ करके भी आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ प्लीज़ जो भी आप टूल यूज़ करें उसकी ब्यूटी को यूज़ करें, और जो भी मैं बता रही हूँ मेरी वीडियो को पॉज कर करके देखें ताकि आपको उसकी हर एक चीज़ डिटेल में नज़र आए। मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग उससे कुछ सीखें।
ठीक है। सो आई होप कि ये टूल्स आपको वर्क करने में आसानी होगी, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और हम चलते हैं हमारे कुछ नेक्स्ट टूल की तरफ, जिनके बारे में मुझे आपको मज़ीद डिटेल में भी गाइड करना है। सो अब हम क्रिएट करना चाह रहे हैं इसके अंदर कोई शेडो। अच्छा, शेडो और रिफ्लेक्शन में फ़र्क है, आई होप कि ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता है, शेडो का मतलब होता है कि आप कोई भी डार्क एरिया को या डार्क पार्ट को इन्हेंस करना चाहते हैं, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आप सिंपली किसी भी एक चीज़ का रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ शेडो ऐड करना चाहती हूँ, जो मेरा मेन एलिमेंट है विच इज़ माय परफ्यूम बॉटल, उसके और मेरी जो रिफ्लेक्शन वाली जो है उसका मैं पहले नेम चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे कर देती हूँ परफ्यूम रिफ्लेक्शन, ठीक है, ताकि हमें भी बाद में अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करनी है तो हमारे लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है जी। सो मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक शेडो क्रिएट करना चाहती हूँ, ताकि मुझे वो चीज़ एक जस्टिफाई लगे कि हाँ, अगर इन दोनों के बीच में एक रिफ्लेक्शन और मेन जो मेरा पिक्चर है या जो मेन मेरी इमेज है उनके बीच में भी एक शेडो है। शेडो क्रिएट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक टूल होता है ब्रश टूल, जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में उसको डिस्कस किया है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ब्रशेज डू वी हैव, हाउ मैनी टेक्स्चर्स डू वी हैव, हाउ मैनी ब्रशेज पैटर्न डू वी हैव, एंड हाउ कैन वी जस्ट चेंज देम एंड डू मच मोर थिंग्स विद योर ब्रश टूल। आप वो वीडियो, मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको डिटेल में देखिएगा तो आपको वो चीज़ नज़र आ जाएगी। बट यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सा ब्रश यूज़ करूँगी। मैं सिंपली सबसे पहले अपना ब्रश टूल सेलेक्ट कर लूँगी बाय प्रेसिंग बी। जैसे ही मैंने अपना बी प्रेस किया तो मेरे पास मेरा ब्रश टूल सेलेक्ट हो गया। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूँगी जितना भी मुझे चाहिए, तो ब्रैकेट ओपन से आप अपना साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पे अपने ब्रश टूल की सेटिंग में जाके, आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पे दूसरा ब्रश सेलेक्ट हुआ हुआ है, बट आई वॉन्ट माई हार्ड प्रेशर राउंड ब्रश, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। एंड देन सिंपली मैं अपने कलर स्वॉच में जाके, आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। शेडो बेसिकली आपको पता है डार्क कलर में होते हैं, सो ऐसा नहीं है कि आप वाइट कलर का शेडो नहीं दे सकते, आप वाइट कलर का भी शेडो दे सकते हैं। बट आप जैसे देख रहे हैं कि मेरी जो इमेज है उसके बैकग्राउंड पे मैंने एक ऑलरेडी ग्रेडियंट दिया हुआ है वाइट कलर का, सो अगर मैं इसके नीचे भी वाइट कलर दे दूंगी तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। मेरा पोस्ट एक अजीब सा एक कलर का एक इम्बैलेंस सा इफेक्ट नज़र आएगा। सो मैं यहाँ पे जो मेरा डार्क डीप रेड कलर है, जो कि थोड़ा सा ब्लैकिश की तरफ जाता है, समवॉट ब्राउन ब्लैकिश या आप इस तरीके का कोई भी कलर देख लीजिए, सो मैं यहाँ पे कुछ ये कलर थोड़ा सा और डार्क, ये इस तरीके का कलर सेलेक्ट करती हूँ। एंड देन सिंपली आई विल प्रेस ओके। शेडो बनाने के लिए आपको एक न्यू लेयर बनानी होगी, क्योंकि जाहिर है हर काम आप न्यू लेयर पे करते हो। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि लेयर्स हमारे लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। लेयर्स मैं फिर दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेयर्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी होती हैं ताकि हमें आगे जाके कभी भी अपने पोस्ट में कोई चेंजेस करनी हो, कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हो, कुछ भी करना हो, तो हमें पता हो कि हाँ, हमने किस लेयर पर क्या काम किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पे अपनी ह्यू और सैचुरेशन की लेयर के ऊपर एक न्यू लेयर क्रिएट कर देती हूँ और इसको मैं नाम दे देती हूँ शेडो का, SHADOW, ठीक है। शेडो का नाम देने के बाद मैं सिंपली अपने परफ्यूम बॉटल के ऊपर जाके एक दफ़ा क्लिक करूँगी, ठीक है। अब देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि मैंने वहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश यूज़ किया हुआ था, सो इसीलिए मेरा जो सर्कल है या मेरा जो शेडो है वो बहुत ज़्यादा शार्प आ रहा है। सो मैं इसको कंट्रोल जेड दबाऊंगी, बिकॉज मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। सो सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको पहले भी बताया है, थोड़ा सा हार्डनेस हम उसकी कम कर देंगे। मैं यहाँ पे ज़ीरो हार्डनेस पे वर्किंग करूँगी, क्योंकि मुझे एक बिल्कुल रिफ्लेक्टेड पार्ट चाहिए। सो मैं अपना साइज इंक्रीज कर देती हूँ शेडो का, ब्रैकेट ओपन से समवॉट लाइक दैट, एंड देन सिंपली आई प्रेस क्लिक। सो देखा आपने, बीच में मेरा एक प्रेशर आया एंड देन साइड्स में फेड अवे। अगर मुझे इस थोड़ा सा और डार्क करना है, सिंपली आई क्लिक ऑन अगेन। इससे ज़्यादा अगर डार्क करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा चीप लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग हो जाएगा।
अब इसके साइज के बारे में बात करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो देखें मतलब कोई बैलेंस नज़र नहीं आ रहा, ये कोई शेडो नहीं है, साफ लग रहा है कि आपने अपने पोस्ट के ऊपर या अपनी इमेज के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट ला के फेंक दिया। ठीक है, सो हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें इसको भी बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगी मेरे पास ट्रांसफॉर्म के आइकन्स आ जाएंगे। जिस तरीके से हमने अपना रिफ्लेक्शन, परफ्यूम का रिफ्लेक्शन देने के लिए हमने अपना जो हमारी बॉटल है उसको हम ड्रैग करके नीचे लेके गए थे, इसी तरीके से हम सेम अपने मिड वाले आइकन पे अपना कर्सर रखेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, क्लिक एंड ड्रैग, जितना भी आपको चाहिए छोटा। मुझे बिल्कुल ऐसा चाहिए कि वाकई लगे कि ये थोड़ा सा लेटा हुआ, जैसे हम कहते हैं ना बिल्कुल एक लाइन टाइप शेडो आ रहा है, क्योंकि जाहिर है जब भी आप कोई चीज़ का शेडो देते हैं सो वो अपने जो उसका साइज़ होता है, जितनी उसकी विड्थ होती है उसी के हिसाब से आपको देना पड़ता है। ऐसा नहीं है अगर आप सर्कुलर इमेज का शेडो दे रहे हैं सो वो आप कोई रेक्टेंगल शेप में या आप स्क्वायर शेप में देंगे। इसी तरीके से अगर आप कोई डायमेंशन इमेज है या आप कोई डायमेंशन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सो उसका भी जो शेडो आएगा वो सिर्फ ऐसा आएगा कि आपने जहाँ जिस जगह वो आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट और आपका मेन लेयर वाला पार्ट आपस में लिंक्ड हो रहा है उस जगह आपका सबसे हाईएस्ट शेडो पार्ट आना चाहिए। ठीक है, आप अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मज़ीद थोड़ा सा छोटा चाहिए। आप चाहें तो चारों साइड से भी छोटा कर सकते हैं, चारों साइड से छोटा मैं नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं सिंपली शिफ्ट अगेन प्रेस करूँगी, क्लिक एंड देन इसको और पतला कर दूँगी ताकि बस मुझे एक इनका जो बीच में एक छोटा सा इफ़ेक्ट जो एक आपको यहाँ पे क्लियरेंस नज़र आ रही है वो मुझे नज़र आए। ठीक है, इस तरीके से आप अपना शेडो दे सकते हैं। आप अपने शेडो को राइट लेफ्ट मैनेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा राइट साइड की तरफ जाऊंगी, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हमारे पास हमारा परफ्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, परफ्यूम बॉटल राइट साइड पे हमारे पास ज़्यादा। इस तरीके से आप अपनी इमेज को मज़ीद ऑब्जेक्टिफाई और ब्यूटिफाई कर सकते हैं। अब जाके देखें मुझे यहाँ पे कुछ अननेसेसरी पार्ट नज़र आ रहा है, सो मैं यहाँ पे अपना इरेजर टूल लूँगी और अब मैं यहाँ पे अपना बैकग्राउंड इरेजर टूल लेके जो भी मेरा सबसे पहले लेयर सेलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे परफ्यूम रिफ्लेक्शन पे काम कर रही हूँ। लेयर सेलेक्ट करने के बाद जो कि मेरे पास एक्स्ट्रा पार्ट है जो मुझे नहीं चाहिए, जो मुझे रिफ्लेक्शन में बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको हटा दूँगी। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्शन ऐड किया है, नीचे मेरे पास किसी भी किस्म का ग्रेडियंट नहीं है। मैं ऊपर का ग्रेडियंट इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि मुझे ऊपर के पार्ट में ग्रेडियंट चाहिए, मुझे रिफ्लेक्शन पे कोई ग्रेडियंट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपने ग्रेडियंट को रिमूव कर दिया। आप इस तरीके से अपने बहुत सारे पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं, शेडोज दे सकते हैं। अपनी वर्किंग को स्टॉप मत कीजिएगा, जितना ज़्यादा आप वर्किंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मैं यहाँ पे मेन परफ्यूम बॉटल का भी ये जो साइड है जो थोड़ा सा मुझे अनॉय लग रहा है और कर रहा है, मैं उसको भी मज़ीद थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दूँगी ताकि जो एक इरेगुलर सी शेप है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सो आप भी इस तरीके से मज़ीद अपने पोस्ट डिज़ाइन कीजिए, मुझसे अपने आइडियाज़ शेयर कीजिए। अगर आपको मज़ीद इसके अंदर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं ज़रूर इस पर वर्किंग करूँगी एंड आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज। ठीक है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी एक मेहनत करनी पड़ेगी, वो ये कि जब तक आप मेरी किसी भी वीडियो को डिटेल में नहीं देखेंगे, पॉज कर करके नहीं देखेंगे, आपको मेरी कोई भी चीज़ समझ में नज़र नहीं आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हमने पोस्ट मेकिंग हमारी कंप्लीट करी। इस तरीके से आप मज़ीद पोस्ट यूज़ कर सकते हैं, उनको मिक्स एंड मैच करके, ग्रेडियंट सेट करके, ह्यू एंड सैचुरेशन, ब्राइटनेस, ग्रेडियंट, रिफ्लेक्शन, शेडोज, इरेजर टूल यूज़ करके मज़ीद उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि फ़ोटोशॉप पे वर्किंग करना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसका ओवरव्यू एक और दे देती हूँ। हमने सबसे पहले अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, हमारी बैकग्राउंड इमेज ये है लेयर वन। ठीक है, उसके ऊपर हमने मज़ीद थोड़ी सी एडवांसमेंट करी और जैसे ही एडवांसमेंट करने के बाद हमें वो चीज़ क्लियर लगी, हमने उसके अंदर थोड़े से कलर्स ऐड किए, उसके अंदर फिर हमने मज़ीद एक शेडो ऐड किया,
फिर हमने अपनी फोरग्राउंड इमेज को सेट किया। देखिए जब आपका बैकग्राउंड इतना ज़्यादा हाई होता है ना तो आपको फोरग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा तो आपको फोरग्राउंड पे काम करने की ज़रूरत होगी। ठीक है जी, तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होंगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। सो प्लीज़ अगेन सेम रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं उसको ज़रूर ओवरकम करने की कोशिश करूँगी। एंड मेरी वीडियोस को पॉज कर करके देखें, हम नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद और टूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हमेशा ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप मेरी वीडियोज़ को स्किप करके देखेंगे सो उसके अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप उसको भी स्किप कर देंगे, क्योंकि फोटोशॉप की वीडियोज़ ऐसी नहीं होती कि आपने स्टार्ट से देखा, मिड से देखा एंड देन एंड से देखा, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने कौन से टूल्स वर्क किए, कितने ज़्यादा उसके अंदर ऑप्शंस यूज़ किए और किस तरीके से यूज़ किए। सो आप इसी तरीके से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस पोस्ट को बनाने के लिए मैंने कितने टूल्स और कितने ऑप्शंस को यूज़ किया है, चाहे वो आप ग्रेडियंट देख लें, चाहे वो आप रिफ्लेक्शन देख लें, चाहे वो आप ओपेसिटी देख लें, चाहे वो आप शेडो देख लें, आप कुछ भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।